लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 तक भारत अंतरिक्ष में एक भारतीय को भेजेगा, वो लड़का हो या लड़की हो। मेरे साथ हैं डॉक्टर के विजय राघवन, वो केमिकल इंजीनियर हैं और उसके बाद वो बायोलॉजी पे काम करने लगे और वो इस वक्त सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। विजय राघवन साहब, आपका क्या मत है, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम भारत को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप थम्स अप देते हैं उसको? बिल्कुल थम्स अप देता हूं और ये हमें ज़रूर करना चाहिए। ह्यूमन स्पेस मिशंस 50 साल से चलते आ रहे हैं लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को ये करना चाहिए, क्योंकि इससे दो चीज़ होते हैं। एक तो हम दिखाते हैं दुनिया को कि हम करंट साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और जो भी चैलेंज है उसको मीट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे 10 या 100 गुना इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम ये करेंगे उसे हमारे बाकी सोसाइटी को, हमारे इंडस्ट्री को इतनी फ़ायदा होगी कि हमारी जनता को इकोनॉमी में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं अंतरिक्ष से, उसकी फ़ायदा बहुत होगी। आपको लगता है, इसरो कहता है 9,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसमें, क्या ये 9,000 करोड़ फजूल खर्ची नहीं है? क्या हम इससे रोड नहीं बना सकते, स्वच्छ भारत नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चों की जान नहीं बचा सकते? आप तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि हम अंतरिक्ष में 3 लोगों को 9,000 करोड़ की खर्चे पर भेज दें? आप ज़रा ध्यान दीजिए, जब इसरो शुरू हुई थी तब भी ये सवाल उठा था कि क्या इसरो की ज़रूरत है हिंदुस्तान को। जब हमारे आधुनिक रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स खुले थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, स्वतंत्रता के टाइम पे, लोग बोलते थे हम आधुनिक रिसर्च क्यों करें, हमारे जनता की प्राइमरी एजुकेशन और स्वास्थ्य क्यों नहीं देखें पहले। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से जितना फ़ायदा हुई जनता को, जितना हमें विज्ञान से फ़ायदा हुई लोगों को, वैक्सीनेशन से, ग्रीन रेवोल्यूशन से, एनर्जी से, हमारा नेशनल प्राइड से, टेक्नोलॉजी में काम करने की धैर्य आई, उसका फ़ायदा बहुत बहुत गुना ज़्यादा है जितना इन्वेस्टमेंट हुई। उसी तरह से ये 9,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट से 90,000 करोड़ की फ़ायदा होगी हमारी सोसाइटी को, स्वच्छ भारत को 90,000 करोड़ की फ़ायदा होगी, क्योंकि इससे हमारी जो टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन बहुत सोसाइटी में होती है। आपको क्या लगता है 2022 तक इसरो लक्ष्य पूरा कर पाएगा? ज़रूर पूरा कर पाएगा, क्योंकि तैयारी बहुत साल से हो रही है, ये नहीं है कि अनाउंसमेंट हुई उसके बाद तैयारी शुरू हुई, तैयारी हो रही है और ये टाइम काफ़ी है। और आपको क्या लगता है, जैसे इसरो के पास, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है इसरो को देखा हुआ, कि उनके पास सैटेलाइट बनाने की क्षमता है, इंजीनियरिंग क्षमता है, रॉकेट की क्षमता है, लेकिन बायोलॉजी और लाइफ सपोर्ट उसमें उनके पास थोड़ी क्षमता कम है? उससे कोई डरने की बात नहीं है। जिस तरह के हमारे बायोलॉजी एजेंसीज़ हैं, बाकी साइंस एजेंसीज़ हैं, हमारे सारी कम्युनिटी है, इंडस्ट्री है, उनके पास ये सब कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके पास रॉकेट चलाने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। इसरो साथ में मिलके, सबके साथ मिलके आगे ले जाएगी। तो इसको क्या एक नेशनल मिशन की तरह से लेना चाहिए या इसको केवल इसरो का ही मिशन छोड़ देना चाहिए? ये इसरो की मिशन होगी जो पूरी देश के लिए नेशनल मिशन इसरो लीड करेगी, जहां उनकी मदद चाहिए, जहां उनकी कोऑपरेशन चाहिए, नेशनल या इंटरनेशनल इसरो लेगी। और आने वाले टाइम में, आप तो बायोलॉजिस्ट हैं, आप एवोल्यूशनरी चीज़ें देखते हैं, क्या भारत को ऐसे कदम लेने चाहिए कि आने वाले टाइम में हम तैयारी रखें अगर मून, मार्स या और कहीं पर ह्यूमंस को बस्तियां बनानी है, कॉलोनी बनानी है, तो उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए? दो चीज़ें हैं। एक तो प्रथम ध्यान रखिए कि ये सब इसरो की जो एक्टिविटीज़ है उनसे हमें धरती में बहुत बहुत फ़ायदा होगी और होती रही है, तो हमारी हेल्थ, एनर्जी, पूरी सब सेक्टर से फ़ायदा होगी, वो तो गारंटीड है। आगे स्पेस में क्या होगी, अंतरिक्ष में क्या होगी, 2 साल में 5 साल में 10 साल में, इतनी रफ्तार से साइंस चेंज हो रही है कि उसका प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हम अभी ये नहीं बता सकते, 50 साल पहले या 100 साल पहले ये नहीं बता सकते थे कि ये सब हम कर पाएंगे।
मेरे ख्याल में राइट ब्रदर्स की प्लेन का कितना टाइम हुआ, जब 100 साल से दशक हुए, कुछ ही दशक, कुछ ही दशक हुए, उस टाइम थोड़ी कर कह पाएंगे वो कि इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल हो सकती है, इतने लोग जाएंगे हवाई जहाज से, इतनी बड़े हवाई जहाज होगी, वो बता नहीं सकते थे। जब पहली रॉकेट ऊपर चली थी वो लोग थोड़ी बता सकते थे कि लोग उस पर जाएंगे थोड़े दिन बाद। तो प्रेडिक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम पास्ट को देखें तब हम ज़रूर बता सकते हैं कि बहुत रफ्तार से विज्ञान चल रही है और बहुत कुछ जल्दी हो सकती है। और आपको क्या लगता है, इसरो के पास पूरी क्षमता है ये मिशन पूरा करने की? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि इसरो के पास इसकी क्षमता नहीं है, वो माने दे आर बाइटिंग मोर दे कैन चू। इसरो के पास दो चीज़ें हैं, क्षमता तो है, इसरो की मेजर ताकत यह है कि वो उनका एक दिशा है और दिशा को रीच करना है, पहुंचना है, उसका पूरा मैप किया हुआ है। ये इसरो की जो ताकत है, बाकी सब एजेंसीज़ हर सिटीज़न को साथ में लेना चाहिए, उसे उसको हम इसरो से सीखना चाहिए, तो इसरो ज़रूर कर सकते हैं। अगर कहा जाए, अगर आम जनता को समझाना हो कि 9000 करोड़ का खर्चा जो है वो जायज़ है नाजायज़ नहीं है, अगर आपको बताना हो चेन्नई में, हैदराबाद में, या कहीं जौनपुर में, या वाराणसी में किसी आम आदमी को, तो आप क्या बोलेंगे कि 9000 रुपए केवल हम 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए खर्च दें? ये जैसे आप बता रहे हैं कि 9000 करोड़ तीन लोगों को डालने के लिए है, वो फॉर्मुलेशन मेरे ख्याल में पूरी फॉर्मुलेशन नहीं है। आप फिर से मैं बता रहा हूँ, आप देखिए इसरो जब शुरू हुई तब से अब कितने रुपए खर्च हुए और उससे सोसाइटी स्पेस से कितनी फ़ायदा हुई। इसरो जब शुरू हुआ था तब कृषि दर्शन जब आई थी तो वही उसका इफेक्ट था, लेकिन कृषि दर्शन से बहुत फ़ायदा हुई, अभी हज़ारों कृषि दर्शन हैं, GIS मैपिंग इतनी हाई रेजोल्यूशन हो गई है, फ्लड्स बाढ़ की मैपिंग जो हमारी अर्थ साइंसेस देती है वो इसरो की सैटेलाइट कैपेबिलिटी से है, तो ATM हमारे सारे इसरो से आई है, तो इससे इसरो के साथ इसरो के रहने से बहुत बहुत फ़ायदा हुई है भारत को, और ये मिशन से उससे 10 गुना फ़ायदा हो गया। तो आपका कहना है कि भारत को फुल स्टीम आगे बढ़ना चाहिए इसके लिए? डबल थम्स अप इसके लिए, माने जल्दी से जल्दी करें। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर विजय राघवन साहब, सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, डबल थम्स अप देते हुए कि जल्दी से जल्दी भारतीय को भारतीय धरती से भारतीय रॉकेट पे अंतरिक्ष में भेजा जाए। चेन्नई से पल्लव बागला।